तक चल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, जो वीडियो देखा, इस तरीके का वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पे ही बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। अगर आप भी इस तरीके का वीडियो बनाना चाहते हैं या स्टेटस बनाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर सभी मटेरियल ईजिली आपको मिल जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको अलर्ट मोशन ओपन करना है, प्लस पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो सिलेक्ट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑडियो ऐड करना है। तो टेलीग्राम चैनल पे मैं ऑलरेडी वीडियो दे दूंगा, तो वो वीडियो से आपको ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और आपको एक वीडियो मिलेगा, ये वाला वीडियो। उसके बाद आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज ऐड करना है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और आपको इमेज ऐड कर लेना है। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जूम लेयर पर थोड़ा सा जूम इन कर लेना है। उसके बाद मूव पे जाने के बाद आपको सेंटर पे एडजस्ट कर देना है। उसके बाद बैक आना है, एंडिंग पॉइंट पे जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ताकि इमेज भी एंडिंग पॉइंट पे आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, एफेक्ट्स में जाना है, एड इफेक्ट्स में जाना है और आपको प्रोसीड्यूरल में जाना है और आपको सिंपल स्टार फिल सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है, पोजीशन पे क्लिक करना है, आपको वाई पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस पे क्लिक करना है, उसके बाद एंडिंग पॉइंट पे और एक प्लस पे क्लिक करना है, एंडिंग प्लस को आपको 1000 कर लेना है, इस तरीके से आपको 1000 कर लेना है। कर लेने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, इसका साइज जो है 0.100 या 0.200 कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, आपको अमाउंट पे जाना है, अमाउंट को आपको 40 कर लेना है, इस तरीके से। इसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, आपको एक रेक्टेंगल ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया करना है और रेक्टेंगल का कलर आपको व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, एंडिंग पॉइंट पे जाना है और आपको रेक्टेंगल को भी एंडिंग पॉइंट पे लेके आ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एफेक्ट्स पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट्स पे जाना है, ब्लर पे जाना है, गेशियन ब्लर सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और इसका स्ट्रेंथ आपको पूरा फुल कर देना है, मतलब 2.000 कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और आपको इस तरीके से नीचे एडजस्ट कर देना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद आपका जो सॉन्ग का लिरिक्स है वो आपको सुन लेना है, जिस पॉइंट से लिरिक्स स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे आने के बाद प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है और आपको यहाँ पे लिरिक्स लिख लेना है। उसके बाद लेफ्ट के कॉर्नर पे क्लिक करना है ताकि जो लिरिक्स है वो सेंटर पे आ जाए। इसके बाद फॉन्ट्स पे जाना है और आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करना है जो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। उसके बाद इसका साइज पे जाना है, साइज आपको 36 PT कर लेना है। उसके बाद कलर पे जाना है, ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट पे क्लिक करने के बाद आपको मूव में जाना है और आपको इस पे लिरिक्स को यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, इस तरीके से। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद आपको लिरिक्स सुन लेना है, जिस पॉइंट पे एंड होता है उस पॉइंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ताकि बाकी पार्ट जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, लिरिक्स पे क्लिक करना है, लिरिक्स के बीचों बीच आ जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, जूम लेयर पे आना है और लिरिक्स के बीचों बीच प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है आपको और एक प्लस पे क्लिक करना है, एंडिंग पॉइंट पे और एक प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग वाले प्लस पे जाना है, उसका हाइट आपको 500 कर लेना है। इस तरीके से 500 कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंडिंग प्लस पे जाना है, इसको भी आपको 500 कर लेना है पूरा। इस तरीके से 500 कर लेना है। उसके बाद लास्ट दो प्लस के बीचों बीच जाना है, कर्व पे जाना, कर्व को इस तरीके से आपको नीचे एडजस्ट करना है, फर्स्ट दो प्लस के बीचों बीच जाना, कर्व को इस तरीके से आपको ऊपर एडजस्ट कर देना है। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, एफेक्ट्स में जाना है, एड एफेक्ट्स में जाना है, प्रोसीड्यूरल में जाना है और आपको यहाँ पे रिबन दिखाई दे रहा है, रिबन को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और इसका मैग्नीट्यूड आपको 0.190 कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से 0.190 कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, उसको आपको पूरा 5.0 कर लेना है, पूरा फुल कर देना है,
तरीके से। उसके बाद नीचे आना है, फेस पे जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस पे क्लिक करना है, एंडिंग पॉइंट पे और एक प्लस पे क्लिक करना है। एंडिंग प्लस को आपको 2.50 कर लेना है, इस तरीके से आपको 2.50 लेना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको स्मूथिंग दिखाई दे रहा है, स्मूथिंग को 0 कर लेना है। नीचे आना है, टिंट कलर को फुल कर लेना है, और इसका जो कलर है इसको स्काई ब्लू सेलेक्ट करना है, और इसका कलर आपको डीप कर लेना है। उसके बाद ऊपर आना है, अब देख सकते हैं ऑफसेट, ऑफसेट को आपको 0.-0.50 कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद बैक आना है, फिर से आपको यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है, ब्लर पे जाना है, मोशन ब्लर सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, मोशन ब्लर को ओपन करना है, और इसका साइज आपको पूरा 4.0 कर लेना है, मतलब टिंट जो है वो 4.0 कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो इफेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। उसके बाद सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए क्या करना है, लिरिक्स पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, कॉपी लेयर कर लेना है। सेकंड लिरिक्स जिस पॉइंट स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे जाने के बाद प्लस पे क्लिक करना है, पेस्ट लेयर कर देना है। उसके बाद लिरिक्स चुन लेना है जिस पॉइंट पे एंड होता है उस पॉइंट पे आने के बाद लिरिक्स पे क्लिक करना है, ड्यूरेशन पे जाना है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लिरिक्स पे क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट आके रिमूव करके जो भी आपका लिरिक्स है लिख लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, और इसी प्रोसेस के साथ आपको सभी लिरिक्स को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट कर लेने के बाद राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रिजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।